के कोने कोने से सब मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं। वाकई बहुत गर्व और खुशी की बात है। आप सबको ढेर सारा प्यार। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है और दामाद है पाकिस्तान का, भूलिएगा मत। सनी भाई ये देख रहा हूँ मैं, बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे, क्या कुछ होने वाला है फिर से? पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि हो ही रही है बारिश, इतनी ढेर सारी बारिश हो रही है और इतने सारों को देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए, लेकिन मेरे को पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं, बल्ले बल्ले थोड़ी। सनी भाई जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आँखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगे कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? और अनिल जी को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अनिल जी कई बार आपको अलग अलग तरीके से बोल चुके थे कि यार कुछ करना है, तो क्या हुआ, हुआ क्या मोमेंट था वो? देखिए गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पर उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी, अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने। और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी, जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में, नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। क्या बात है अमीषा, 22 साल के बाद आप तो वैसी की वैसी हैं जैसे अनिल शर्मा जी बता रहे थे, है ना, उत्कर्ष जी के बारे में बताया गया, तो क्या क्या चेंजेस था, क्योंकि वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, तो क्या क्या अंतर आ गया है? एक्चुअली जो सवालें की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका, सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टार ऑफ माइन सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊँगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने माने हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी, अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी, ऋतिक के साथ दो दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार है और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा किया था और कहो ना प्यार है रिलीज़ नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज़ ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था,
लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात। और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी, हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ year boy। मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माय डायरेक्टर, माय फैबुलस मेकअप टीम, जयवन जी, पूजा जी एंड रॉकी हु वर्क्ड ऑन माय कॉस्ट्यूम्स। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, आई गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम अनिल जी सेइंग माई प्रेशियस सकीना इज बैक। वाह क्या बात है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन ऑल ऑफ ऑल दिस इज मिस्टर शारिक पटेल, क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत, करेज, balls if I may say so, is only and one only Mr. Shahrukh Patel. And he has a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them, unhone itni mehnat ki hai aur aaj unki wajah se we're standing here. Aap mujhe puch rahe ho kaisa lag raha hai, actually jaise Sunny ji ke aansu nikal rahe hain to mere bhi nikal rahe hain, bas main thoda sa scared hu makeup kharab ho jayega. Ever Anil Sharma ji ka aap itni tareef kar rahi hain lagatar aur har baat, to ek aisi baat bataiye unique jo kisi ko nahi maloom hai, jo film set mein aapne mehsoos ki wo kamaal ki baat. Ye bina sabun ke haath dhote rehte hain, main batau kaise. Are Amisha ji dekhiye, Sakina madam aur karte rahe aur karte rehte. और ये उनका तकिया कलाम है। अच्छा। और इस बारी पालमपुर में जब हम लोग पहले इस किचन में शूटिंग कर रहे थे तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है, तो कट, टेक, ओके, ये करो वो करो, सुनने ही नहीं मिलता, फॉग फॉग फॉग। और उसके बावजूद बोलते थे मैं VFX में और फॉग ऐड करूँगा। तो लेकिन ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं। क्यों? बस ये मुझे नाराज करते रहते हैं, ये नहीं, ये और मैं इनसे फाइट करती रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ, ये हमारा रिश्ता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि उत्कर्ष को फिल्म में मेल आई थी और मैं हमेशा अनिल जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत हैं कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे। तो उत्कर्ष इज़ अ रियली लवली बॉय, आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है। और बस मैं 2 मिनट लूँगी क्योंकि मुझे बकबक करने की आदत है। एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर 2 प्लान नहीं हुई थी। हमारे ऑफिस में एक कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़के की तस्वीर मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो बैठे, मेरे बेस्ट फ्रेंड, उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रख दी थी और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले मैम यहाँ यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाह रहे हैं। तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लड़का तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा है। मैं हाय राम, ये तो मेरा बेटा है। तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है, हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, हमें भी हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते, बट दैट केमिस्ट्री इज शोइंग ऑन स्क्रीन।